ओ बाइक उठा, ओ मेरी टांग आई है बूटे, बाइक उठा बाइक उठा बाइक उठा, आगे ये वाली पकड़, ये वाली पकड़, ये आगे ले छोड़ छोड़ इसको आगे ले। ऐसे रखते हैं। ओ भाई ये क्या था गाइस। Hey, what's up guys? Welcome to my new vlog. And guys, आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है। सो फिलहाल गाइज आज घर पे यार मेरे लक्ष्य आया हुआ है, तो लक्ष्य मैंने को जाके सब्सक्राइब कर दो। अच्छा अभी छोड़ना, इसकी बॉडी दिखाओ, बॉडी दिखाने दो। सो सिखाई गाड़ी देखो कहाँ से, मतलब किस एंगल से है बॉडी। गाइज मुझे कमेंट करके बताओ किस एंगल से बॉडी ले रही है बॉडी आपको। गाइज मैं ना थोड़ी देर के लिए, मतलब दो दिन नहीं हुआ, एंड गाइज छाती देखो बाहर आ गई, बट थोड़ा थोड़ा क्रैम्प्स पड़ गया ना ये क्या ही बोलूं यार। चल मसल दिखा, मसल चेक करवा गाइज, मसल चेक हो रहा है यहाँ पे, चेक करो गाइज मेरे को दिख नहीं रहा। सो तू गला गाइज ये देखो कटा अभी गाइज, क्या क्या अभी ज्यादा नहीं है, ये देख जरा ट्राइसेप देख, ये रैम तो गाइज एक ट्राइसेप भी दिखाते रहेंगे, बाकी फिलहाल गाइज अभी बाहर चलते हैं। सो अभी फाइनली गाइज यहाँ से निकल गए अपने घर से, एंड बुट्टे को भी गाइज हमने पिक कर लिया हुआ है। अभी गाइज लक्ष्य चला रहा है मेरी बाइक, पीछे से आवाज तो तुम सुन ही रहे होगे यार। बाकी यार इसका फेयरिंग कितना ज़्यादा सही है ना, मैं क्या बताऊँ यार, इसके मिरर्स ना मुझे काफ़ी ज़्यादा शार्प लगे यार, देखो चूंच टाइप है ना, तो काफ़ी मज़ा आता है यार इनको चलाने में। पहले पहले ना इसकी फेयरिंग ही वैसे कोई बाइक लेता नहीं था, बट अब गाइस सारे बाइक ना ये प्रेफर कर रहे हैं लेना, क्योंकि गाइस इसमें ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छी हैं यार, एंड मतलब काफ़ी अच्छा बाइक है यार इस सेगमेंट का। सो गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ मैं अपने छोटे मोटे खर्चों को कैसे मैनेज करता हूँ। सो गाइस मैं अपने छोटे मोटे खर्चों को मैनेज करने के लिए बिनोमो पे ट्रेडिंग करता हूँ। सो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस ऐप को कैसे यूज करना है, एंड ट्रेडिंग पे आप कैसे अर्न कर सकते हो। सो गाइस जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने बिनोमो ऐप ओपन कर लिया हुआ है। गाइस सबसे पहले तो इसमें आपको गाइस डेमो अकाउंट में आपको पैसे मिल जाएंगे। तो फिलहाल तो गाइज मैं अपने रियल अकाउंट से ट्रेड करूंगा, एंड गाइज अपनी इन्वेस्टमेंट मैं 3500 पे सिलेक्ट करता हूँ। एंड गाइज आप अपनी अमाउंट डिपॉजिट आराम से कर सकते हैं पेटीएम के थ्रू, और भी गाइज ऐप होते हैं जिससे गाइज आप अपनी डिपॉजिट पेमेंट ले सकते हो। एंड गाइज मैंने यहाँ पे क्रिप्टो सिलेक्ट कर लिया हुआ है। सो गाइज मुझे लग रहा है कि ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, सो गाइज मैं नीचे की तरफ ग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड लेट्स सी गाइज क्या रहता है। सो गाइज यहाँ पे देखो 6370 रुपीज का गाइज मुझे प्रॉफिट हुआ है, एंड गाइज ऐसे आप भी अर्न कर सकते हो। सो गाइज अगर आप भी मेरी तरह ट्रेडिंग करके अर्न करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाके गाइज साइन अप करो। सो गाइज अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से साइन अप करते हो, तो गाइज आपको डेमो अकाउंट में $1000 का बोनस मिलेगा, जिसको यूज करके आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। और गाइज इस ऐप में आप हार भी सकते हो, इसलिए जब आप अच्छे से सीख जाए तभी गाइज अपने रियल मनी से इन्वेस्ट करें। सो गाइज यहाँ पे पेट्रोल हमने रिफिल करा दिया हुआ है यार, 200 रुपए का गाइस पेट्रोल इतना महंगा हो गया क्या बताऊं यार तुम्हें मैं बट चलो फाइनली पूजा मुड़ गया है ना अंकल जी। गाइस यार बंदे को मतलब क्या बोलूं, बीच सड़क पे चल रहा है यार, पता भी आगे से कोई आएगा। मैंने हॉर्न भी दिया यार, बट फिर भी हॉर्न नहीं दिया, बट मैंने फिर भी ऐसे किया मैं अंकल जी मानते नहीं, क्या करें यार। ऊपर से गाड़ी वाला बिल्कुल इस तरफ आ गया, कैसे कैसे लोग होते हैं यार यहाँ पे। अभी चलो ये दूसरे वाले हैं तो ये साइड भी हो जाते हैं, अगर नहीं होते गाइस को इतनी लगती ना क्या बताऊँ मैं। सो गाइज अभी हम भावे वाली माता आ गए हुए हैं, एंड अभी गाइज जा रहे थे यार नरवाल शोरूम में, एंड मेरा कैमरा मेरे हिसाब से ना मुझे लग रहा गंदा हो गया यार, थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ। अभी गाइज चेक करो भाई खतरनाक। गाइज अभी जाएंगे गाइज नरवाल, एंड वहाँ से काले बिले को उठाते हैं, अगर गाइज नहीं मिला फिर बुटा देखो आज गाइज शोरूम वालों से ना लड़ाई करेगा बुटा आज। एंड गाइज मैं रिएक्शन कैप्चर करूँगा शोरूम वालों के, कैसे रहते हैं रिएक्शन उनके। एंड ट्रैफिक वाले भैया देख रहे हो, ट्रैफिक वाले सॉरी अंकल हैं ये तो। गाइस घोड़ा देख रहे हो, घोड़ा गाइस मैंने ना, सॉरी ये तो घोड़ी है, ये भी घोड़ी है गाइस। घोड़ा ये बहुत ना कम रखते हैं यार, मैक्सिमम ना ये घोड़ी रखते हैं यार, पता नहीं क्यों। फाइनली गाइस यहाँ पे हम यामा के शोरूम पहुँच गए हुए हैं, एंड चलो अब अंदर। ओह कैसा लगा तुझे, हालत ख़राब हो गया ना, क्लच प्लेट उड़ गई है, दौड़ा ही नहीं पाया गाइस ये बिल्कुल भी, पीछे रह गया था। एंड अभी गाइस बाइक भी बहुत गंदी हो गई है, इनको वॉश भी कराएंगे। चल बूटे जाके पूछ, तू माइक को नहीं शेयर कर, मैं बूटे पहले बता रहा हूँ तेरे को। सभी गाइस जब बूटा पूछेगा मैं थोड़ा सा ना कैमरा टिल्ट कर लेता हूँ, कि अभी बूटा जो बातें करेगा अंदर ना गाइस खतरनाक बातें करेगा। नहीं यार हो गया, जा पूछ Thank you.
पूछे किसे पूछना है, 10 मिनट रुक जाओ। सो गाइस यहाँ पे अपना भूल लगा हुआ है एंड यहाँ पे लगी KTM एंड फाइनली काला बिल्ला अपना बाहर आ गया। चल काले बिल्ले को बाहर निकाल। गाइस अपना काला बिल्ला आ गया। अब गाइस काले बिल्ले को मैं चलाऊंगा थोड़ी आगे से। ओ भाई खतरनाक सीन होने वाला गाइस आज गाइस बूटे का भी काला बिल्ला आ गया। इस बाइक को ना मैंने बहुत मिस किया लिटरली एंड पॉलिश हुई हुई है बाइक। अभी सिद्रा से आगे जाके मैं चलाऊंगा इसको। चलो ये निकलो चल इधर से बढ़ा लेते हैं आगे से। चला जा चलो कम ऑन। सो गाइस अब देख रहे हो तीन बाइक्स हो गई हमारे पास। ओ भाई अभी गाइस सिद्रा से इस बाइक को हम थोड़ा बहुत चलाएंगे यार, क्योंकि ना इस बाइक को बहुत मिस किया यार। बुड्ढे को अपने साथ लेके चलता था गाइस, बहुत तंग होता था यार, ये भी मैं भी होता था, क्योंकि पीछे पिलियन को बिठाया हो ना यार एक ना मज़ा नहीं आता फिर बाइक राइड करने में। तो अभी फिलहाल गाइस मैं चला रहा हूँ RC एंड अभी गाइस वो चला रहा है मेरा बुल, ये चला रहा काला बिल्ला। गाइस इसका ना नाम नहीं रखा यार हमने, एक क्यूट सा ना नाम रखते हैं। ओए लक्ष्य इसका नाम क्या है, क्या नाम रखा है इसका, हैं स्पार्टन। सो गाइस इसका नाम रखा है इसने स्पार्टन। तो चल नाम की गाइस आदत हो जाएगी, स्पार्टन को भी लेके जा रहे हैं गाइस हम आगे एंड बुल और काला बिल्ला आ रहा पीछे यार। गाइस अभी ना थोड़ी सी हल्की सी रेस करेंगे बट गाइस पहले ना पेट्रोल डलवा देंगे इधर गाइस, कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा यार हमें, तो आगे से डलवाते हैं यार। तो गाइस अभी हम पहुंच गए सिद्रा में एंड गाइस लिटरली आज इतनी सुस्ती पड़ रही है ना क्या बताऊं तुम्हें यार गाइस, बट बाइक पे लीन देख रहे हो कितना मस्त हो रहा है। एंड ये क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ क्या हो गया भाई, पता नहीं क्या हुआ। मेरे हिसाब से इसका ना जो स्टेयरिंग व्हील वाला वो था ना गाइस नीचे से टूट गया हुआ है, तभी यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है। एंड इतना बड़ा बुलडोजर भारी यार, इतनी हैवी गाड़ी है उसको कैसे लेके जाता होगा, तो स्टीयरिंग व्हील तो गाइस टूटना ही है यार। बाकी गाइस गाड़ी वाला बिल्कुल साथ पीछे पीछे आ रहा है यार, एक नंबर और खतरनाक चाल। गाइस काले बिल्ले को करते हैं ऑफ हम, ठीक है अभी यार ब्रेक मार गया यार। सो गाइस अब मैं चलाने वाला हूँ काला बिल्ला एंड बस यार काला बिल्ला सेफ सही सलामत हो। हैंडल वैंडल ठीक हो गया सारा इसका, हैंडल भी नहीं हैंडल है गाइस, चेक कर रहे हो हैंडल भी भाई ने नया डलवाया यार। यार ये बंदे ना ये पता नहीं क्यों यार बंद रखते हैं यार, इसको खुला रखना चाहिए यार। सो गाइस बंदे ने बोला विली नहीं मारना, तो ऐसा हो सकता है जब 12-15 तो मैं विली नहीं मारूं यार, एक विली ट्राई करते हैं गाइस। बट रहने दो यार अभी भी काला बिल्ला है तो विली ट्राई करने का ना गाइस मन नहीं कर रहा यार मेरा, चलते हैं। चला चल चल। ओ भाई ये क्या था गाइस, बुट्टे ने मारना मेरे को, अगर उसको पता चला ना ये व्लॉग देख के कि मैं क्या पंगे ले रहा था। अभी गाइस थोड़ा सा खींचते हैं इसको भाई यार, इसकी यार ब्रेकिंग भी गाइस मैं बताऊँ ना इसकी रेस कुछ ना अलग तरीके की लग रही है यार मुझे, एंड ना यार ये अलग लग रहा है यार, इसका भी हैंडल ना कुछ मेरे हिसाब से यार थोड़ा हल्का हो गया यार, पता नहीं क्या सीन ना गियर वाला सिस्टम भी ऊपर कर दिया गया है, पता नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रही कुछ, बट आके चलते हैं। गाइस ये देख रहे हो अभी इस वक्त कौन ट्रक चलाता है यार इतनी धूप में, पता नहीं इनका भी सीन समझ नहीं आता है। लीन चेक करो काले बिल्ले में। ओ भाई गाइस थोड़ा सा ना टायर स्लिप हुआ था यार, पता क्यों क्योंकि ना इसके भी टायर पॉलिश हुई है ना, जिस वजह से गाइस टायर स्लिप खा रहा है इसका। तो अभी फिलहाल आगे चलते हैं गाइस, देख रहे हो मेरे पास KTM हो गाइस, मैं फिर भी आगे होता हूँ, 8-15 फिर भी भूलो तो फिर भी गाइस आगे होता हूँ। ये बंदे यार पता नहीं ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं यार। अभी गाइस तुम ज़्यादा बोल रहे थे कि स्नो वाइट पे यार ब्लॉग रहो, स्नो वाइट जिसको नहीं पता गाइस हायाबुसा है, तो यार उस पर ब्लॉग तो ले आए बट इतनी गर्मी में कैसे यार, मतलब हालत ख़राब हो जाएगी यार। वो बाइक उठा और मेरी टांग आई है बूटे, बाइक उठा आगे ये वाली पकड़ ये आगे ले छोड़ इसको आगे ले और यहाँ पे रुक के तुम्हारा वेट कर रहा था, टायर स्लिप हो गया ऊपर ही गिर गया यार। हाँ स्टैंड लगाते स्लिप हो गया ना, मैं पीछे देख रहा था टायर स्लिप हो गया यार, हुआ तो नहीं कुछ। ओ भाई यार बूटे ये टूट गया, बूटे ये टूट गया मेरे से। चलिए गोल गोल करने से चल जाएगा यार अंदर, बाकी फेयरिंग बच गई यार। गाइस काले बिल्ले ने अपना काम खराब कर दिया, क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें यार। अरे सीन पता क्या हुआ, मैं यहाँ पे इनका वेट कर रहा हूँ, मैं इधर अब मैंने पत्थर पर रखा था, वो गलती से पत्थर स्लिप हो गया, मैं पीछे देख रहा हूँ, वो ऐसे करके मेरे ऊपर ही गिर गई बाइक पूरी की पूरी।
भाई मैंने गिराई नहीं, टायर्स का स्लिप पता नहीं क्या हुआ है, ये स्टैंड स्लिप हो गया होगा यार। अरे यार मिट्टी से स्लिप हुआ यार, ये देख ये पत्थर ना, ये यहाँ पे था, यहाँ पे ये देख ये छेद है ना, ये इधर था। अरे कॉर्नरिंग नहीं, बाइक खड़ी हुई थी यहाँ पे, मैं तुम्हें पीछे देख रहा था, यहाँ पे इस पे रखा था मैंने, तो ये स्लिप होके नीचे आ गई मेरे ऊपर, पांव पे गिर गई थी। सो गाइस मैं बुल चलाता हूँ यार, अपने ना बुल की यार एक्चुअली क्लच प्लेटें उड़ गई हैं यार, तो मुझे ना मन नहीं कर रहा ज़्यादा इसको चलाने का। एंड ये चीज़ चेक कर रहे हो तुम गाइस, इसको भी गाइस ठीक कराते हैं, वॉश करवाते हैं आगे जाके। अभी फिलहाल गाइस सीधा चलते हैं पिट स्टॉप, भूख भूख लग रही है, कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं गाइस, फिर चलते हैं घर पे। अरे कुछ नहीं हुआ बूटे, चल यार कुछ नहीं हुआ, चल आजा, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अरे फोर्थ गियर पे लगाया, कैसे स्टार्ट होगी, गियर चेंज कर, फोर्थ गियर में स्टार्ट नहीं होगी। हाँ चल हो जाएगी, अब हो जाएगी स्टार्ट कर, होगी ना, वो गिरने से हो जाता यार थोड़ा सा। सो गाइस ये देख रहे हो ये सीन हो गया था यार यहाँ पे। यार मैं तुम्हें सच बताऊँ ना यार, मतलब मैंने कुछ नहीं किया यार, आहिस्ता चला रहा था मैं इनका ना, ऐसे करके पीछे करके ना वेट कर रहा था, बाइक एक ही जगह लगी थी। अब मुझे पता था यार मेरा पाँव स्लिप हुआ ना, अब स्टैंड से भी आगे हट गई यार बाइक, क्योंकि मैंने स्टैंड पूरा नहीं लगाया था यार, तो वो स्लिप हो गया अब पीछे से आगे, जब तक मैं उठाता तो इन्होंने देख लिया। अब क्या ही बोलूँ यार, अब मतलब न्यू बाइक निकाली थी गाइस, मैं बोल रहा हूँ ना अभी तुम्हारे भाई पे ना गिरा चल रहे हैं, मुझे बाइक के नहीं दो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अभी लक्ष्य की बाइक पे ठीक है यार, मैं बताऊँ ना मेरे को कलर ना बस यही दो अच्छे लगते हैं। ब्लैक बाइक चलाई गाइस गेरी, कल ड्यूक चला रहा था गाइस, उस पर एक्सीडेंट हुआ, क्या बोलूँ यार तुम्हें अभी, तो ना अपने को रेड और ऑरेंज ही ठीक है यार, या वाइट होगी, अदरवाइज गाइस अब मैं काला वाला नहीं चलाने वाला। नहीं देख रहे उंगली पे थोड़ी सी लग गई यार, टेढ़ी होगी मेरे हिसाब से यार, टेढ़ी नहीं यार ऐसी है मेरी उंगली। चल बूटे आजा भाई, काला बिल्ला आपका नमस्ते यार, मैं नहीं चलाता अब आपको तो बाकी KTM की तरह गया अपना स्पार्टन। भाई मैंने जानबूझ के नहीं गिराया सच में यार मैंने, गाइस ये बंदा ब्लेम कर रहा है मुझे, देखो यार अब मुझे बाइक नहीं मिलेगी यार कभी इसकी चलाने के लिए यार, बट चलो छोड़ो यार, गिर गई, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, बस ये जो चीज़ था ना हैंडल का ये वाला गाइस, ये थोड़ा सा गिर गया, देख लो घिस गया हुआ यार, बेचारे ने अभी भी हैंडल लाया हुआ था। अभी देख रहे हो टायर पे गाइस पॉलिश लगी है ना, तो स्लिप खा रहे हैं यार पत्थर के ऊपर। अच्छा मुझे कमेंट करके बताओ यार मेरी गलती है नहीं यार, अब बहुत स्लिप खा गया, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। हाँ अब निकल जा, मेरी क्लच प्लेट गाइस उड़ी है, बताऊँ कैसे है, देखो मैंने फुल रेस देखी रखी है ना, अभी ये चक्कर हो गाइस, ये चक्कर हो, इसको कहते हैं क्लच प्लेट उड़ना, अगर आपकी फुल रेस नहीं ना जाती, आहिस्ता जाती है, फिर अगर फुल एकदम फुल दोगे ना फिर आपकी रेस नहीं जाएगी नॉर्मल ना, आहिस्ता आहिस्ता रेस देगी, इसकी स्पीड बढ़नी पड़ेगी यहाँ, तो अगर स्पीड आपको जल्दी बढ़ानी है तो गाइस हैवी गियर डालो, एंड हैवी गियर पर ना आधी रेस दे दो, ये स्पीड अपने आप आहिस्ता पकड़ेगा। अभी जैसे डलाना ना गाइस, मैं ना आहिस्ता आहिस्ता रेस ना थोड़ी सी अप्लाई करके ज़्यादा बढ़ा दूंगा, जिस वजह से ना गाइस स्पीड बढ़ जाएगी इसकी। अभी ये देखो ट्रक वाले कैसे चल रहे हैं यार, वो भाई कहाँ रॉन्ग साइड से निकाल लिया यार इसने, भाई मुझे तो अभी ये रोड ना इतना गंदा लग रहा है ना, मैं तो गाइस इस पे स्पीड में चलाऊंगा ही नहीं यार, आहिस्ता चलाऊंगा, क्योंकि ब्रांड भी आगे के साथ भी कभी ना ऐसे हो गया था, उन्होंने बताया था मुझे, और मैं नहीं चाहता यार मेरे साथ भी ऐसा हो जाए यार। सो फाइनली गाइस मैं अभी घर पे आ गया हूँ, एंड मैं इतना फटका हूँ ना क्या बताऊँ, बस ना इस छोटे से गणेश भगवान जी को लेकर ना मैं ऐसे करके सोने वाला हूँ यार। मैं बताऊँ ना अभी गाइस मैं क्लच प्लेट्स चलवाने गया हुआ था घूमट में, एंड रात हो गई थी गाइस 9:30 बज गए थे, लेट भी हो गया था गाइस काफ़ी, तो यार घर पे भी लेट आया था, तो एंड गाइस मैं रश नहीं कर पाया। एंड गाइस तुम सोच रहे हो कि यार ये चीज़ क्या लगी है, तो गाइस मैं मंदिर गया था, अस्ट्यूशे था, तो हनुमान के मंदिर गया था, तो गाइस टिक्का विक्का लगाया हुआ था। सो आई होप गाइस आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, एंड गाइस अच्छा लगा प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लो, तब तक गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, गाइस बाय, सेफ राइड, पीस आउट, बाय बाय।